जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हम अपने टोटल देसी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक तो समझ चल ही गया होगा कि आज हम किसके मुतालिक बात करने वाले हैं। आज हम आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने आगे चीज़ रखी हुई है ये क्या चीज़ है, तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है और हम इसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है। जिंदा नहीं बल्कि एक हनूत शुदा बछड़ा है। आज से तकरीबन एक साल पहले जो कि मर चुका था, हुई कि हमारी गाय जब इसने ये बछड़ा दिया तो ये एक दिन का था और बारिश काफ़ी तेज़ हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई तो उसकी वजह से ये गाय के नीचे दूध पी रहा था तो गाय इसके ऊपर गिर गई, फिसल के इसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से ये जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया था। तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कि गाय का दूध कैसे निकालें और कैसे इसका जो है सारा मैनेज करें, क्योंकि अगर बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती ना ही वो नज़दीक जाने देती है। तो सबसे पहले हमारे जहन में यही बात आई कि क्यों ना हम इसको खनूत करें या फिर क्या करें। पहले तो जहन में आई कि हम इसको रख लेते हैं, तो लेकिन फिर वो जब जो उसके अंदर गोश्त वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो तो कुछ दिनों के बाद बदबू देना शुरू कर देती हैं, तो फिर जहन में आया कि इसको खनूत करते हैं। तो इससे पहले हमने कभी कोई चीज़ खनूत नहीं थी की, लेकिन फिर इसकी हमने चमड़ी उतारी और इसकी चमड़ी उतारने के बाद हमने इसमें से जो कुछ था वो बाहर फेंक दिया और इसकी चमड़ी को हमने रख लिया। फिर इसकी चमड़ी में हमने भूसा भरा और बहुत सी कुछ चीज़ें जो है इसकी चमड़ी में भरी हैं और इसके बड़ी मेहनत के साथ इसकी एक एक जो है चीज़ हमने उतारी। आज आप देख सकते हैं कि एक साल गुजर जाने के बाद इसके बाल बिल्कुल अभी जो है वो उसी तरह जिस तरह इसके थे, बालों को भी कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ उसकी सेम है। और इसकी एक चीज़ जो थोड़ी सी हुई, इसमें टांगों का आम से उस तरह का नहीं हो सका, टांगें बिल्कुल सेम तो नहीं लग सकें जिस तरह कुदरत की होती हैं, तो उस तरह तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने इसको काफ़ी हद तक और फिर इसको हम गाय के नज़दीक करते और गाय दूध दे देती, उसको पता नहीं चलता था, गाय के नीचे करते तो गाय जो है ना वो दूध दे देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद जब गाय को पता चल गया तो फिर हम नज़दीक नहीं करते थे बल्कि उसको दूर रख देते थे और आस्ता आस्ता गाय जो है बछड़े के बगैर दूध देना शुरू हो गई, वो आदी हो गई। तो आपको भी इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी भाई के साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है, कोई वाकया पेश आ जाता है जिसका कोई जानवर नुकसान हो जाता है, तो वो भी उसको हनूत करें, उसे बहुत फ़ायदा होगा। आज एक साल गुजरने के बाद भी ये बछड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये बाल वगैरह सब कुछ ठीक है। तो हम इसको थोड़ा गाय से दूर खड़ा कर देते और दूध निकाल लेते तो गाय को ये रहता था कि बछड़ा मेरे सामने है, तो गाय जो है ना वो अगर हम इसको फेंक देते तो माँ के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत होती है तो नॉर्मल अल्लाह ने उसके दिल में भी रखी है, तो वो भी इसी तड़प में रहती, लेकिन हमने इसको हनूत करके उसके सामने रख दिया ताकि उसके जहन में हो कि बछड़ा मेरा मेरे पास ही है, तो वो दूध दे दिया करती थी। ये बिल्कुल भी जी देख सकते हैं आप, इस पे हमने काफ़ी मेहनत की है और ये हनूत शुदा बछड़ा है और ये कानों पे भी हमने देखे हैं, ये कान है जी, हमने इस पर भी काफ़ी बड़ी मेहनत के साथ इसको जो है ना चमड़ी, इसको बड़ी आहिस्ता से और आराम से चमड़ी उतारी, सारी इसकी खाल उतारी और उसमें फिर बहुत सी चीज़ें भर के फिर उसको नीचे की जानब से और टांगों को जो है ना वो सुई से सी दिया था। तो सेंटर में ये देख सकते हैं और मुंह को हमने बड़ी ना मेहनत के साथ इसको चमड़ी से अलग किया, यानी उसके गोश्त से अलग। बिल्कुल इसी पे आज हमने वीडियो बनानी थी, हनूत शुदा बछड़े पे, कि इसको हम पंजाबी में पूछा कहते हैं, बड़े कहते थे कि पूछा बना लें, तो ये हनूत शुदा बछड़ा है, ये जिंदा बछड़ा नहीं है। तो आज इसी पर वीडियो हमने बनाई है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों का कोई ऐसा नुकसान हो जाए और उनको भी ये हनूतशुदा बछड़ा बनाएं और अपना वो नुकसान से बचें ताकि गाय उनको भी दूध दे दिया करे। मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल एक साल गुजर जाने के बाद अभी इसकी चमड़ी थोड़ी सख्त हो गई है लेकिन महसूस नहीं होता। हम इसी तरह इसके नीचे लकड़ की ना वो लगाई हुई थी, लकड़ की जो लकड़ियाँ थी वो हमने बांध दी थी ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा रह सके, तो गाय से थोड़ा दूर करके खड़ा कर देते थे तो गाय को नहीं पता चलता था कि ये हनूत शुदा है या नहीं है। और एक एहतियात आपने ये करनी है कि ये गाय के मुंह के करीब नहीं रखना क्योंकि जब वो ऐसे जीभ जुबान से जो है वो चाटेगी या कुछ करेगी तो ये हो सकता है ऐसे गिर जाए क्योंकि ये इतना वजनी तो नहीं है ना। इसमें जो है वो हमने हल्का सा वो जो बुस वो भरा हुआ है, यानी पंजाबी में जिसे भोग कहते हैं वो भरा हुआ है। तो आपने इस पे मेन एहतियात दूसरी ये करनी है कि इसको थोड़ा दूर रखना है और शुरू शुरू में खुद पकड़ के नीचे करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी पे हमने आज बात करनी थी, यही हमारी वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।